मैं जगतार सिंह यहाँ डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर हरियाणा इंडिया। आज यहाँ से डालना एक मीटिंग है जी की, यहाँ पे कार्यकर्ता। और आज क्या कुछ मीटिंग रखेगी, आइए बात करते हैं किस कारण से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर जो सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको कि आपने जेल भी हाई कमान द्वारा क्या कुछ कहना चाहूँगा। पार्टी के अंदर लार्ज के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। नई नई जिम्मेवारियाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियाँ दी जा रही हैं। मिशन 2024 मद्देनजर रखते हुए अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन करके उनके कंधों पर एक जिम्मेवारियाँ सौंपी जा रही हैं, ताकि आने वाले जो 2024 का जो चुनाव लोकसभा का विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती के साथ हम लड़ करके हम हमारी नदी से निकालना चाहते हैं। उसी को देखते हुए यमुनानगर जिला के अंदर भी एक बहुत मजबूत साथी के अंदर जिम्मेवारी लंबा गरबा है, अनुभव है पार्टी चलाने का। युवा सभी संख्या से जुड़े रहे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं, बहुत तजर्बा है। आज ने जी जी का कंधों के ऊपर ये पूरे जिले यमुनानगर की कमांड सौंपी गई है। मेरा मानना है कि इनके रहनुमाई में पूरा जिला अग्रसर होगा, प्रगतिशील होगा। और जैसा मानना आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का है, हमारे डॉक्टर अजय चौटाला जी का है, वो एक रिजल्ट यानी ये यहाँ से यमुनानगर से निकाल करके देंगे और चारों विधानसभा को बड़ी मजबूती के साथ, अपने तजर्बे के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर पार्टी को खड़ा करेंगे। और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में एक यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से निकाल कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं गुरविंदर तेजली जी से। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, आपका बधाई हो। आपको भी जिला नियुक्त किया गया, तो पार्टी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है उसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे पार्टी को। मैं डॉक्टर हमारे जो मुखिया हैं पार्टी के, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और डिप्टी सी एम भूषण चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर। संगठन मजबूती के लिए क्या कुछ? संगठन मजबूती के लिए हमने बूथ वाइज जाने का प्रोग्राम निश्चित किया है कि हम बूथ वाइज जाके बूथ स्तर पे वर्कों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। और हल्के में एक जैसे आशीर्वाद जी को जोन बनाए हुए हैं, तो दूसरे जो हल्के हैं वहाँ पे भी हम जोन बनाने का काम करेंगे, ताकि एक इमीडिएटली कोई मैसेज सर एक प्लस पॉइंट है कि आप युवा हो और युवा जिलाध्यक्ष को देखकर ही युवाओं को जोड़ने का भी कार्य किया जाए। बिल्कुल जी, मैं दरअसल हर वर्ग जो भी जिस भी एज के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उनका आशीर्वाद लेके उनको जोड़ने का काम करेंगे। जो मेरे से छोटे हैं उनको हाथ मिलाकर उनको पार्टी की नीति से अवगत कराकर उनको साथ ले जाने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं मैडम कुसुम शेरवाल जी जो प्रदेश महासचिव बने हैं, आपको भी शुभकामनाएं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज हमने मासिक मीटिंग हम हर महीने करते हैं हल्का सडौरा की। आज भी इस मासिक मीटिंग के दौरान हमने अशोक शेरवाल जी का और गुरविंदर तेजली जी का यहाँ पर स्वागत समारोह भी रखा था कि हम उनका स्वागत कर सकें। नवी नवी जिम्मेवारियाँ मिली हैं और इनसे उम्मीदें भी हमें बहुत हैं कि हमारे हलके में एक युवाओं में भी जोश है। तो हम ये मैं तो उम्मीद भी करूंगी कि दिग्विजय जी की तरह और दुष्यंत जी की तरह, क्योंकि उन्होंने हमारे इस ढोरा हलका में बहुत मेहनत करी थी इससे पहले भी और उन्होंने युवाओं को तैयार किया था। तो मैं तो गुरविंदर जी से यही उम्मीद करती हूँ कि वो जो भी हमारे साथी इधर उधर भटक भी रहे हैं या पार्टी के कई ऐसे वर्कर भी होते हैं जो पार्टी के साथ खड़े हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से भटक रहे हैं, तो मेरी ये उनसे अपील भी है कि वो उन सभी को साथ जोड़ें।
पार्टी को वोट दी जाती है, जो भी कोई वर्कर होता है वो पार्टी को वोट देता है, ना कि किसी एक आदमी को। और पार्टी तभी मजबूत होती है जब हम पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को इकट्ठा करके पार्टी को वोट डलवाने का काम करते हैं। तो मेरी यही उनसे अपील है कि वो हर एक वर्कर को जोड़ें अपने साथ, क्योंकि हमने इस संगठन को बहुत मजबूत करना है। और जब संगठन मजबूत होता है तभी पार्टी को हम उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जो हमने सोच रखा है कि हमने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को उप मुख्यमंत्री से हटा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। मैम, जैसे अपना छोटे हो चाहे बड़े हो, कार्यकर्ता सभी का मान सम्मान एक बराबर, सभी का मान सम्मान एक बराबर होता है। संगठन में पहले भी एक बात आती है कि संगठन से पार्टी खड़ी होती है, पार्टी संगठन मजबूत होता है तभी पार्टी चलती है। संगठन से ही पार्टी पार्टी है, किसी एक आदमी से पार्टी नहीं चलती, संगठन से ही पार्टी चलती है। जब सारा हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी मजबूत होकर के खड़े होंगे तभी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। ठीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नवयुवकों को? नवयुवकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि एक युवा जिम्मेवारी जिले में मिली है, तो युवा साथी हमारे सभी एकजुट हो जाएं। और आज मैं तो कहूँगी जो 18 साल का एक युवा है वो सबसे पहले झंडा उठा करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के आगे झंडा लेकर के चलने का काम करें, और युवाओं में वो चेतना पैदा करें कि आज युवा शक्ति जो है, जिस तरह से ये जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक लेकर के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरह से जो हमारे युवा शक्ति है वो दोबारा से झंडा उठा ले और दुष्यंत चौटाला जी को उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करें। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। एक दो बार